नमस्कार, राम राम, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा और वक्त हो गया है बहस जरूरी है। 2024 में गठबंधन को लेकर हरियाणा में राजनीति लगातार तेज होती जा रही है। 25 सितंबर को कैथल में हुई इनेलो की रैली के बाद अब गठबंधन की सियासत और ज्यादा तेज हो गई है। दरअसल जेडीयू नेता केसी त्यागी पहले ही कह चुके हैं कि वो इनेलो को INDIA गठबंधन से अलग नहीं मानते। इनेलो भी सभी के एक साथ आने पर जोर दे रही है, लेकिन हरियाणा के संदर्भ में कांग्रेस का कहना यह है कि वो प्रदेश में लोकसभा की सभी 10 सीटों पर लड़ने में सक्षम। कांग्रेस कह रही है कि हरियाणा में इनेलो और आम आदमी पार्टी कांग्रेस का सहारा ढूंढ रही है। सवाल यह है कि हरियाणा में क्यों छिड़ा है गठबंधन पर रार, और 2024 में कैसे होगा कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी का बेड़ा पार। क्या 2024 के लिए हरियाणा में कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी एक साथ आएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो राजनीतिक समीकरण क्या होंगे हरियाणा के, इस पर भी चर्चा करेंगे। ये मैंने किसी का विरोध ना विरोध किया ना समर्थन किया। आप अपने आप आगे मेरे से किसी ने पूछा नहीं, पूछा है तो मैं अपना बताऊंगा। अब नहीं, कोई बात नहीं, उनकी जो है राजनीतिक जो है धरती अपनी तलाश रहे हैं। सबको अधिकार अपने अपने कोई भी धरती को तलाश करने का, खुद सब उनकी धरती स्लिप हो चुकी है। उड़ा से पूछ ले जाके, तू और तेरा बेटा दोनों लड़े थे पिछली बारी, 10 की 10 सीटों के ऊपर कांग्रेस हारी थी। और जो उड्डा अपने आप को बड़ा नेता मानता है, उससे ये भी पूछ लो कि 2014 में कांग्रेस की हालत क्या हो गई थी, जिस कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत था वाशे पे आ गई थी कि नहीं आ गई थी। गठबंधन के अंदर कौन सा दल होगा, कौन सा दल नहीं होगा, इसके लिए एक टीम का गठन किया गया है और वो टीम काम देख रही है। स्तर पे आए तो तैयारी तो हमारी भी 10 के 10 सीटों पे है। हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, परंतु अनुशासित है। कोई घोषणा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक नई सोच है। मेरा मेरा एक लक्ष्य है कि हो सकता है इस कार्यक्रम से कुछ नई चीजें आए और उनका असर हमारे राजनीति पे पड़े, बीजेपी पे भी पड़े, कांग्रेस पे भी पड़े, चौटाला साहब भी पड़े, की पे भी पड़े, छोटे चौटाला जी पे भी पड़े, और मायावती जी की पार्टी है, आप पार्टी है, और भी कोई पार्टी है, उनके पड़े। भीड़ का ही तो खेल है ये सारा। भीड़ हुई तो यही पार्टियाँ तो कहेंगी अरे हरविंदर सिंह से बात करो, बात तो बढ़िया कर रहे हैं, तो उसके हमारे हमारे भी कुछ मान ले। आप क्या करते हैं, नैरेटिव सेट करते हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हमारे अरे कैसे आ जाएंगे भाई, कोई वजह तो हो आपके आने की? सिर्फ आ रहे हैं कहने से थोड़ी आ जाएंगे आप, कोई वजह बताइए हम क्यों आ रहे हैं। आपके चंद 100-200 लोग होंगे जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिनके धंधों पर चोट लगी है, वो जरूर मैं देखता हूँ, वो पेट में से उनकी आवाज़ निकलती जब नारे निकालते हैं, तो वो उनकी आवाज़ उनकी आस्था नहीं है हुड्डा साहब के प्रति, वो उनका जो है ना वो जिसे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है उनकी। पार्टी अपने अपने संगठन मजबूत करने के लिए काम करती है, और इनेलो ने कैथल में रैली की है, जननायक जनता पार्टी ने सीकर में रैली की है, तो अपने अपने पार्टियों को संगठन को मजबूत करने के लिए सभी रैलियां भी करते हैं और अपने अपने दावे भी करते हैं। समय आने पर जनता बताएगी जनाधार किसका कितना है, ये तो जनता ने बताना है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष देभान ने कहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल का कोई आधार नहीं बचा है और ना ही इनेलो INDIA गठबंधन का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी पर बोलते हुए उदयभान ने कहा है कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा जरूर है, लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। उदयभान ने कहा है कि हम पार्टी आलाकमान को अपनी राय देंगे और आलाकमान जो भी फैसला लेगा हम उसे मानेंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से भी कहा जा रहा है कि अभी INDIA गठबंधन में इनेलो को शामिल करने का कोई आधार नहीं है। हरियाणा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने कहा कि इनेलो हरियाणा में अपना जनाधार खो चुकी है। ऐसा है कि इनेलो तो अभी राष्ट्रीय गठबंधन का हिस्सा ही नहीं है, उसके तो चर्चा ही करने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी है वो गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन
हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व तो नहीं है। हमारे से हमारा नेतृत्व तो कोई पूछेगा तो हम अवश्य उनको सलाह देंगे, बाकी जो फैसला लेना है वो कांग्रेस नेतृत्व ने लेना है, क्योंकि जो ये गठबंधन बना है पार्लियामेंट के लिए बना है, असेंबली के लिए तो है ही नहीं, असेंबली के लिए तो ये गठबंधन है ही नहीं। तो हम 90-90 पे लड़ेंगे, हम यही चाहते हैं कि वो 90-90 पे लड़े और लोकसभा में भी बेशक वो सबके सब उस पर लड़े। हमें जहाँ तक सवाल है इंडिया गठबंधन का, वो कांग्रेस नेतृत्व में फैसला लेना है। अगर कहीं पे कोई कुर्बानी देनी पड़ती है तो कांग्रेस नेतृत्व समझेगा, बाकी आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई अस्तित्व नहीं है। हम तो ये चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी को कोई हरियाणा में स्पेस नहीं दिया जाए, हमसे अगर जो पूछा जाएगा, लेकिन अंतिम फैसला हाईकमान का है। हाईकमान अगर कोई सीट देना चाहेगा इंडिया गठबंधन में, जो निर्णय होगा तो वो जो भी फैसला होगा उनका वो सबको मान्य होगा। इंडिया गठबंधन के अंदर कौन शामिल होगा कौन नहीं होगा ये घटक दल कोऑर्डिनेशन कमेटी आपस में बैठ के तय करेंगे, कौन सीट शेयरिंग में कितनी सीटें किसको मिलेंगी, सीट शेयरिंग होगी या नहीं होगी हरियाणा में ये कोऑर्डिनेशन कमेटी डिस्कस करेगी, और उसके बाद आम आदमी पार्टी का हाईकमान जो आदेश देगा हम लोकसभा चुनावों में उसी तरह से काम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, तैयार हैं। लेकिन इनेलो का इंडिया गठबंधन में शामिल होने का अभी कोई आधार नज़र नहीं आता है, इनेलो अपना जनाधार पूरी तरह से हरियाणा में खो चुकी है, लोग इनेलो के कामकाज करने के तरीके से उनकी लीडरशिप से पूरी तरह से त्रस्त हैं, लोग इनेलो के कामकाज के तरीके के खिलाफ हैं, उनकी सरकारों के सताए हुए हैं, इसलिए एक MLA इनेलो के हैं वो भी इस बार हारने जा रहे हैं, मुझे कोई कारण नज़र नहीं आता कि उनको किसी गठबंधन का हिस्सा बनाया जाए, उनको किसी गठबंधन में शामिल किया जाए। कल भी आपने देखा इनेलो के मंच पे ना कांग्रेस पार्टी के नेता थे ना आम आदमी पार्टी के नेता थे, इससे ये बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इनेलो के साथ मिलकर इस तरीके की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं जिनका कोई आधार नहीं है।